मंगलवार शाम को निधन हो गया। सोनी के निधन के पश्चात पूर्व में की गई देहदान की घोषणा के तहत उनकी मृतदेह को जैलन स्थित एनाटॉमी विभाग भिजवाया गया। मृतदेह को अजमेर भिजवाने से पूर्व सोनी के निवास स्थान से शव यात्रा निकाली गई, जो चौहान कॉलोनी से सूरजपुर गेट बाहर स्थित हिंदू सेवा मंडल के लिए मुक्ति धाम तक पहुंची। वहां से देह को जैलन अजमेर के लिए रवाना किया गया। अजमेर में देह सौंपते समय पुत्र नरेंद्र, मुकेश, पुत्री अर्चना, राकेश, हिमांशु, हेमेंद्र सोनी, पवन सोनी, डॉक्टर दिवाकर पवार, रुक्मी चंद बाडमेरा, नरेश, कमलेश, गोविंद, ओम प्रकाश, अशोक कुमार, भारतेंदु श्रीमाली तथा कुलदीप सहित बड़ी संख्या में अनेक परिवार और समाज सदस्य उपस्थित थे। मानव सेवा से जुड़े धर्म के प्रति विशेष लगाव और वर्षों तक समाज के शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने वाले बलदेव जी सोनी पेशे से शिक्षक रहे और वर्तमान में रिटायर्ड होकर अंतिम समय तक पूर्ण स्वस्थ रहकर मानव सेवा का कार्य कर रहे थे। शिक्षक सेवा काल के दौरान टाटगढ़ के जंगल में एक 50 से 52 वर्ष के व्यक्ति को रीछ द्वारा उठाकर ले जाने पर उस रीछ से भिड़ गए और उस व्यक्ति को मौत के मुंह से सही सलामत बचा कर ले आए। इसमें वो खुद घायल हो गए थे। इससे पूर्व आपने सेना में भी सेवाएं दी। ब्यावर ब्राह्मण स्वर्णकार समाज में देहदान का यह पहला उदाहरण था। सभी परिवारजनों द्वारा जनहित के लिए लिए गए इस अनुकरणीय निर्णय के लिए बहुत बहुत साधुवाद। सोनी परिवार के इस निर्णय से समाज में इस कार्य के प्रति जागरूकता आएगी।